तो भाई हिचहाइकिंग में कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, मैं दिखाता नहीं हूँ अपनी टफनेस ज्यादा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा टफनेस दिखाऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि भाई सिंपैथी ले रहा है। जो मैं अभी शिप में आया हूँ भाई, अभी लिफ्ट लेके आया हूँ, मेरे को टिकट नहीं ली मैंने, कुछ नहीं हुआ। इस गली में तो हमने सारी जो है भाई जांच पड़ताल कर ली, पर 500 से नीचे कोई होटल नहीं है। Hey guys, welcome to vlogs। तो आज हमारी भारत यात्रा का डे 181 एंड अभी हमें माजुली से हम भाई फेरी लेके क्रॉस करने वाले हैं एंड पहुंचने वाले हैं जोरहट, और जोरहट में जाके भाई आज स्टे करेंगे, वहीं पे कोई स्टे वगैरह ढूंढ लेंगे, आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि अपने को भाई थोड़ी रेस्ट भी चाहिए, लगातार थोड़ा ज़्यादा घूम रहे हैं तो शरीर भी थोड़ा थक जाता है भाई। आज भी मैं सोया रहा तो आज 12 बज चुके हैं फिर से, पता नहीं क्यों 12 बजते ही मेरी नींद खुल जाती है। तो चले भाई अभी यहाँ से चलते हैं सीधा भैया के रेस्टोरेंट की तरफ एंड वहाँ पे जाकर खाना पीना खा के सीधा लेते हैं फेरी एंड क्रॉस करते हैं इस रिवर को, और काफ़ी मज़ा आया भाई माजुली में, बहुत ही आनंद आ गया। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। मेरे पीछे की तरफ भाई स्टे है मेरी, और ये आगे की तरफ कमलाबारी जो यहाँ पे भाई 17 है वो है, वो सामने आप देख रहे होगे, ठीक है वहीं पे है, और ये भी कमलाबारी 17 वालों का ही है। एंड मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई जहाँ पे मैं कल रुका था वो कमलाबारी 17 का ही, मतलब उनका गेस्ट रूम टाइप आप कह सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट रूम्स हैं। सो अगर कोई ऐसे फॉरेन से आता है या फिर कोई भी अगर यहाँ पर रहने के लिए आता तो वहाँ पर शायद होटल टाइप एक बना हुआ है, सस्ता आपको मिल जाएगा, सो वहाँ रह सकते हो आप। अभी चलते सीधा यहाँ से भाई सीधा हैवी की तरफ एंड भैया के पास चलते हैं रेस्टोरेंट में और खाना पीना खाते हैं, यार बहुत ज़्यादा भूख लग गई अब तो। मैं अभी तक बाय वॉक ही चल रहा हूँ एंड यहाँ लिफ्ट मांगने की ट्राई करी, अभी कोई चांसेस नहीं मिले क्योंकि गाड़ी वाले कह रहे हैं कि हम पास में जा रहे हैं, पास में उन्हें क्या पता मुझे जाना ही 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था, और बाइक वाले तो बिठाते नहीं जल्दी, तो चलो अभी पैदल ही जा रहे हैं 1 किलोमीटर एंड फिर खाना खा के आगे निकलेंगे। यार अभी तो कोई चांस नहीं यहाँ से लिफ्ट मिलने का मेरे को, फिर मैंने सोचा यार कि चलो 1 किलोमीटर ही तो है, बाय वॉक चलेंगे, थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे, थोड़ा अपना जो फ़ोन में है वो काम कर लें, करते करते पता भी नहीं चलेगा कब 1 किलोमीटर निकल गया। तो भाई हिचहाइकिंग में कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप सबको कि ये ना लगे कि मैं आराम से चल रहा हूँ, आराम से नहीं होता भाई कुछ भी, मैं दिखाता नहीं हूँ अपनी टफनेस ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टफनेस दिखाऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि भाई सिंपैथी ले रहा है, वो वाला काम मैं करना नहीं चाहता। सो गाइस अभी बाय वॉक ही हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में भैया के पास एंड ज़्यादा नहीं, शायद 1.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था भाई। अभी आ गए भाई भैया के पास, गुड मॉर्निंग भैया। चलो अभी खाना पीना खाते हैं फिर निकलेंगे भैया आगे जोरहट की तरफ। तो अभी भैया को बाय बाय बोल के हम निकल चुके हैं वहाँ से एंड अभी हमें जाना है भाई सीधा घाट की तरफ, जहाँ से फेरी मिलेगी, और यहाँ से भाई तकरीबन है हमारा यही कुछ 7-8 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ से भाई लिफ्ट लेना मुश्किल है, सो जल्दी ट्राई करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि टाइम भी अभी हो चुका है 2:15 के आसपास, और लास्ट जो शायद फेरी मिलती है वो मिलती है भाई 3-3:30 बजे तक, और 1.5 घंटा बचा है। ये भाई सफ़र तो छोटा है पर हाँ लिफ्ट मिलनी मुश्किल, तो इसलिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। चलो पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आपको कैसे पहुँचे। इस पहले एक भैया ने लिफ्ट दी एंड उन्होंने 1.5 किलोमीटर छोड़ा एंड वहाँ से एक और लिफ्ट मिली, उन भैया ने हमें तो पास में ही छोड़ दिया घाट के सामने भाई, मतलब रोड खत्म हो जाती है उसके बाद वहीं से टिकट वगैरह लेके बाय वॉक चलेंगे, 1.5 किलोमीटर के आसपास बचा होगा शायद। एंड भैया का नाम था माधव भाई एंड आई होप भाई जल्दी पहुँच गए, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई यहाँ लिफ्ट नहीं मिलेगी, और दी भी भाई दोनों टू व्हीलर वालों से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि यहाँ पे डबल हेलमेट वाला थोड़ा इशू चलता है। तो चलो भाई अभी दोबारा से फेरी लेनी है, और भैया मेरे को बता रहे थे कि जाते वक्त आपको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद 1.5-2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि उल्टे वहाब में जाओगे आप, देखते हैं भाई क्या होता है, एवरीथिंग इज़ एडवेंचरस फॉर मी नाउ, सब कुछ बढ़िया लगने लगा है। इस रूट पे भाई वैसे तो कोई गाड़ी वगैरह चलती नहीं, पर हाँ फेरी में जाने के लिए यहाँ पे भाई गाड़ी वगैरह चलती रहती हैं। अभी ये लोग जो है फेरी से आ रहे हैं, मतलब उतर के आ रहे हैं, और वो देखो बाइक्स वगैरह अभी आ रही हैं, और इन लोगों को भाई फेरी में बैठ के जाना है जोरहट की तरफ, और हम भी जा रहे हैं भाई जोरहट। इसका नाम है, इस जगह का नाम है कमलाबारी घाट, और कमलाबारी घाट से हम ले रहे हैं अपनी फेरी आज की, वही शायद 30 रुपये रेंट होगा, वहाँ से आते वक्त तो 30 रुपये रेंट ही था एंड पर वहाँ भाई आपको 2 अलग अलग घाट हैं, तो आते वक्त जब आप इस तरफ आ रहे होगे तो आपको ऊपर वाले घाट से लेनी है, और ये उतारते वक्त आपको नीचे वाले घाट पे उतारेगी, और यहाँ से पर एक ही घाट है यार, पता नहीं क्यों, पर कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भैया ने बताया था भाई यहाँ पे पहले 2 घाट हुआ करते थे, पानी ज़्यादा सूख चुका है तो एक ही घाट पे सारा काम चलाना पड़ रहा है। सो भाई अभी हम ऊपर खड़े थे फेरी के पास, हम पहुँच चुके हैं एंड ऊपर हम टिकट की वेट कर रहे थे टिकट काउंटर पे, और एक फौजी भाई आया, फौजी भाई कहते हैं आपको जाना है जल्दी, तो आप सीधा डायरेक्ट नीचे चले जाओ, उन्होंने कुछ इशारा किया भाई टिकट वालों को, एंड मैंने वहाँ पे अपनी एंट्री करी, नाम वगैरह तो लिखना पड़ेगा भाई, नाम, एज, नाम, आपकी रहने वाली डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन
एंड आपका नंबर यहाँ पे भाई कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि दौरान में भाई कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है, क्योंकि है तो काम इसकी थोड़ा सा 1% कह सकते हैं। और यहाँ पे भाई हमारा जो है बैग वगैरह हमने पीछे रख दिया है, उसके बाद अभी थोड़ी देर में शायद ये निकलेगी, शायद 10-15 मिनट में। और मेरे को भैया बता दे कि भाई अभी थोड़ा उल्टे बहाव की तरफ जाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है पिछली बार से। जैसे पिछली बार में 1 घंटा लगा था, तो अभी 1.5 या 2 घंटे लग सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई, आपको बताएँ कि कितना टाइम लगा और कितना नहीं। सो वेटिंग फॉर दैट कि जब चलेगी तब आपको सब दिखाएंगे। फाइनली भाई अभी पहुंच गए हैं जोहरट वाले घाट पे, और ये देख लो आप, यहाँ पे अभी पार्क हो जाएगी घुमा फिरा के। पता नहीं कैसे पार्क करते हैं भाई, पार्क करनी मुश्किल है। पार्क करके फिर हम चलते हैं भाई अपना सामान वगैरह लेके जोहरट सिटी की तरफ। अभी स्टे वगैरह नहीं है, स्टे नहीं मिली अभी तक। एंड यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट नहीं चलता बीच बीच में कहीं कहीं फेरी में, तो उतर के भाई अपना स्टे वगैरह ढूंढते हैं। ऑनलाइन भी सर्च कर लेंगे, नहीं तो ऑफलाइन देख लेंगे, नहीं तो गुरुद्वारा वगैरह अगर मिलता है तो वहाँ चलेंगे। बाकी कुछ नहीं पता भाई कहाँ जाना पड़ेगा आज। अभी शिफ्ट से तो उतर गए हैं भाई, एंड 4:30 का टाइम हो गया तकरीबन भाई, 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट लिए। एंड भाई एक चीज़ बतानी भूल गया था कि जो मैं अभी शिफ्ट में आऊँ भाई, अभी लिफ्ट लेके आया हूँ, मेरे को टिकट नहीं ली मैंने, कुछ नहीं हुआ। फौजी भैया ने ऐसे ही बिठा दिया था बिना किसी टिकट के। एंड यहाँ भी हमारे जो है भाई लिफ्ट प्लीज वाला काम यहाँ भी हो गया भाई, मज़ा आ गया। मतलब बिना पैसों के पूरी नदी क्रॉस कर ली 1.5 घंटा लगा के। अब यहाँ से भाई जो मोटर बाइक्स वगैरह जा रही हैं उनसे लिफ्ट लेनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, क्योंकि और कोई यहाँ पे आएगा नहीं, वैसे भी रात का टाइम हो रहा है। लेट्स गो, चलते हैं भाई, अभी स्टे का कुछ नहीं पता। भैया ने हमें बाईपास तक छोड़ दिया, भैया को बाईपास से राइट जाना था, पर हमें सीधा जाना पड़ेगा अगर टाउन के अंदर जाना है, जोहरट टाउन के अंदर। और भैया से मैंने पूछा है कि यार सस्ती स्टे कहाँ मिलती है, तो भैया ने एक चारेली का नाम बताया, बहुरुआ चारेली ऐसा कुछ नाम है उसका। मैंने मैप में फीड कर लिया, मैप में देख लेंगे, पहले वहाँ पहुँचना है। अभी टाइम भाई 5 बज चुके हैं, वैसे 5 बजे के हिसाब से आज थोड़ी लाइट बची है, पता नहीं क्यों, पर 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है वैसे यहाँ पे। चलो अभी वैसे भी दिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े होएंगे, क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, अब गर्मी आएंगी। चलो भाई अभी यहाँ से लिफ्ट मांगते हैं टाउन तक के लिए। तो भाई अभी हमें यहाँ पे भाई उतार दिया है अनुराग साइकिया भाई ने, और ये है बहुरुआ चायरेली। भैया ने बिल्कुल अंदर तक उतार दिया, यहाँ पे पीछे भाई यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह का बहुत इशू रहता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों का। तो भाई मेरे को पीछे वाले भैया जो थे उन्होंने भी मेरे को पहले उतार के फिर क्रॉस करा पुलिस वालों को, फिर इन्होंने भी ऐसे ही करा, पहले मेरे को उतार दिया फिर पुलिस वाले से क्रॉस करके फिर दोबारा बैठाया। और यहाँ पे भाई सामने गली आप देख रहे हो, यहाँ पे अंदर जाके बहुत सारे होटल्स हैं, इनसे हम पता करेंगे सबसे सस्ता स्टे निकालते हैं। चलो भाई अभी रिसर्च शुरू करते हैं आज। इस गली में तो हमने सारी जो है भाई जांच पड़ताल कर ली, पर 500 से नीचे कोई होटल नहीं है। पर हाँ आप आ सकते हो भाई, बोरवा चरेली से आपको राइट लेना है, एंड गली में जाके सारे होटल ही होटल है। मिनिमम जो है भाई यहाँ पे 550 के आसपास मिल जाएगा, पर मैं ढूंढ रहा हूँ भाई 200-300 वाला, तो 350 में भी एक होटल मिल गया है, उस तरफ जाते हैं। एंड रस्ते में उन्होंने बोला है कि बहुत सारे होटल ऐसे आएंगे जो आपको 200-300 में मिल सकते हैं, तो ट्राई करते हैं, आई होप कि मिल जाए। नहीं मिलेगा तो भाई लास्ट 350 वाली रेंज तो मिली गई है। अभी पैदल चलते हैं और देखते हैं भाई, कोई ना कोई स्टे तो मिल ही जाएगी। पूरा घूमने के बाद, गूगल सर्च करने के बाद, हर जगह मतलब हर साइट पे जाने के बाद भाई ये चीज़ तो मैं सीख चुका हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, किसी भी सिटी में किसी भी कंट्री में भी जाऊँगा ना, तो मैं सबसे सस्ता होटल ढूंढ ही लूँगा। यहाँ पे भाई जो प्राइस था वो 300 रुपये था। अब ये सोचो कि इन्होंने प्राइस अपलोड नहीं कर रखा, मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं हर होटल के, खोल खोल के रिव्यूज़ पढ़े। रिव्यूज़ पढ़ने के बाद भाई वहाँ पे लोग प्राइस वगैरह बता देते हैं या लो प्राइस लिख देते हैं, तो मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ भाई कितना प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस भी बता दिया था, नहीं प्राइस नहीं बताया था, किसी ने फोटो अपलोड कर रखी थी इनके जो मेन्यू है इनका, कि डबल बेडरूम इतने का, सिंगल बेडरूम इतने का, कॉमन इतने का। तो उसमें भाई लिस्ट थी, लिस्ट में सबसे सस्ता था 300 रुपये का सिंगल कॉमन। और मैंने फ़ोन किया तो भैया बोलते कि 350 का हो गया है वो। एंड तो मैंने कहा ठीक है यार, कि मेरे को तो ऐसा था कि भाई मेरे को कोई और ढूंढना पड़ेगा, तो मैंने भैया को मना भी नहीं करा और मैं फ़ोन कर दिया था मैंने। और मैं ढूंढता रहा, मेरे को नहीं मिला भाई इससे सस्ता, एक था भी और पूरा फुल था, शायद वो 300 का था। अभी नीचे आया भैया के पास, तो भैया ने भाई मना कर दिया, भैया शायद पता नहीं क्या हो गया, भैया ने मना कर दिया कि नहीं भाई हमारे पास रूम खाली नहीं है, आप तो 350 रुपये में 300 रुपये पे अड़े हुए थे, तो मैं तो 350 ही दे सकता हूँ, तो अभी मेरा रूम लग गया, अभी तो मैं नहीं दूंगा नहीं। तो मैंने कहा भैया देख लो कुछ हो सकता है, तो ये वो आगे देखो अच्छी खासी स्टे है, अच्छी खासी स्पेस है। एंड सबसे जो खास चीज़ मुझे लगी भाई, यहाँ ऐसे चाबी डाल के फिर लाइट चलती है, मतलब पूरा 5-स्टार वाला सिस्टम बना रखा है। चलो भाई अभी बाहर से पैसे वगैरह निकाल के लाने हैं भैया को देने के लिए, एंड
खाना पीना भी खाते हैं भाई, और बैग इतना भारी लग रहा है ना आज, पता नहीं क्यों थकावट हो गई है पूरी। लेट्स टेक रेस्ट। भाई खाना पीना हमारा हो चुका है, वापस हम अपने स्टे पे आ चुके हैं। भाई असम में खाना पीना बहुत ही ज्यादा सस्ता है भाई, 40 रुपए की भाई यहाँ पे रोटी की थाली मिल जाती है जिसमें 3 रोटियां होती है, बढ़िया मजा आ गया। तो चलिए भाई आज का ये व्लॉग यहीं तक था, आज हमने सिर्फ ट्रैवल किया है, कल हम जाएंगे भाई यहाँ से नागालैंड एंटर करने वाले हैं, कल हमारी शायद 14 स्टेट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।